सब्सक्राइब कीजिए मेरे कॉन्सेप्ट चैनल को और इस बेल आइकन को ऑन कीजिए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट ज्ञान। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बेस्ट मैथ पहेलियां का पार्ट 1 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक मैथ का ट्रिक। अगर आपने इससे पहले का वीडियो बेस्ट पहेलियां पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिए। ये मैथ का ट्रिक ऐसा है कि इसमें 3 मैट्रिक्स होते हैं, स्क्वायर एंड इसको मैजिक स्क्वायर भी बोलते हैं, मैजिक स्क्वायर, जैसे कि आप इधर आप देख सकते हो। इसमें ऐसे नंबर आप फिल करो ताकि हॉरिजॉन्टली भी, अगर आप वर्टिकली भी ऐड करते हो तो सेम नंबर आना चाहिए, हॉरिजॉन्टली भी आप ऐड करते हो तो सेम आना चाहिए, और डायगोनली भी सेम ऐड करते हो तो सेम आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे और उसे कैसे कैसे फिल कर सकते हैं, तो दोस्तों आज हम ये सीखने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे ट्रिक अपनाए होंगे, बट ये जो मैं चीज आप भी बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, और जिसे आपको इस टाइप के जितने भी पजल है उसे सॉल्व करने में इजी होगा। और इस टाइप के कोई जरूरी 15 और 18 ही है, इस टाइप के पजल आपको 3 के मल्टीपल के जितने भी नंबर है वो सब के सब सॉल्व हो सकते हैं। 15, 18, 21, जो भी नंबर है 3 के मल्टीपल में वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको कुछ 4 या 5 टाइप के नंबर आपको समझा के बताऊंगा और आप बिल्कुल श्योर समझ जाओगे, और ये ऐसा ट्रिक है जो आप कभी नहीं भूलोगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको तो करना क्या है, 15 को डिवाइड करना है 3 से, 15 को डिवाइड करना है 3 से, वो नंबर कितना है 5। अब इस 5 को आपको इसमें लिखना है 5। अब 5 लिखने के बाद 5 लिखने के बाद फ्रेंड्स, अब इसके राइट साइड में 4 नंबर्स और इसके लेफ्ट साइड में भी 4 नंबर्स आपको कंटिन्यूसली लिखने होंगे। जैसे 4 हो गया, फिर 3 हो गया, 2 हो गया, एंड ये 1, एंड इसके राइट साइड में लिख लो 6, 7, 8 एंड 9। अब करना क्या है फ्रेंड्स, आपको एक नंबर छोड़ देना, आपको स्टार्ट करना है 2 से, पहले 2 यानी आपको स्टार्ट करना है यहाँ से, यानी पहले इसके हम कॉर्नर को फिल करेंगे, और कॉर्नर को फिल करने का तरीका ये है कि आपको स्टार्ट करना है इस कॉर्नर से, फर्स्ट कॉर्नर से, ठीक है। आपको इस फर्स्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है और एक गैप करके आपको ये एक नंबर लिखना है। जैसे आपने पहले 2 लिखा, मैं इसको कर दे रहा हूँ, आपको 2 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 6 लिखना है और फिर 8 लिखना है। तो फ्रेंड्स ये मैंने हाईलाइट कर दिया, तो सबसे पहले आप 2 लिखो, उसके बाद आपको जस्ट स्क्रीन नीचे वाले कोने में 4 लिखो, फिर आप ऊपर आ जाओ, इस कोने में लिखना है 6 और यहाँ लिखना है 8। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। पहले आपको डिवाइड करना है, पहले आपको 15 से इसको डिवाइड करना है, 15 को डिवाइड करना है 3 से, फ्रेंड सभी को अगर 15 चाहते हो तो 15 को डिवाइड करोगे 3 से, 18 चाहते हो तो 18 को डिवाइड करोगे 3 से। तो चलो फिर डिवाइड करने के बाद 4 नंबर इसके जस्ट आगे के और 4 नंबर जस्ट इसके पीछे के लिख लेने को, और बस आपको शुरुआत करना है फर्स्ट स्क्वायर बॉक्स से, तो वो शुरू करना है 2 से, यहाँ से सेकेंड इसमें जो सेकेंड नंबर जो शुरुआत करना है, और एक गैप करके इस नंबर फिर करना है, इस नंबर को फिर इसको फिर 4 फिर 8, 2 4 6 एंड 8, 2 4 6 एंड 8, इस तरीके से फिर करना है। एक तो अपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अब इस जो बॉक्स है इससे आप कैसे फिल करोगे। इसको फिल करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको काउंट कर लो 6 2 8, अब 15 में से 8 को लेस कर दो तो आएगा 7, यहाँ पर आप 7 फिल कर लो। चलो
एक और तरीका, इससे भी इजी तरीका ये है कि ये जो नंबर बच रहे हैं जो अभी येलो कलर में नहीं है, 5 तो ऑलरेडी मैंने फिल कर दिया था, तो 5 तो सेंटर में था, तो 5 का भी येलो करते हैं। अब करना क्या है, अब वो नेक्स्ट नंबर 1 है और 1, 3, 7 एंड 8 इन्हें आप कैसे लिखोगे, और यही चार नंबर होंगे जो चारों बॉक्स में आएंगे, बताए कैसे आएंगे। तो चलो दोस्तों, इसका भी ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ। इसकी शुरुआत आपको करनी है, और तो कैसे यहाँ पे लिखना है आपको 1, जस्ट इसके नीचे यहाँ पे लिखना है आपको 3, और यहाँ लिखना है आपको 7, और यहाँ लिखना है आपको 9। ये 1, 3, 7, 9 इस तरीके से बिल्कुल याद रखना। सबसे पहले ये 2, 4, 6, 8 फिर 1, 3, 7, 8 तो बस फ्रेंड्स ये जगह और कुछ नहीं है बस। और आपका अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली जोड़ो तो भी 15, वर्टिकली जोड़ो सभी को फिर भी 15, और डायगोनली जोड़ो फिर भी 15। तो फ्रेंड्स आप इसको चेक भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट फ्रेंड अगर हम बात करें 18 की, तो फ्रेंड्स इसको मैं करता हूँ डिलीट और 18 करने को बताता हूँ। 18 करना कुछ नहीं फ्रेंड, इसी तरह जैसे मैंने उससे किया था, आपको 18 में ऐसे डिवाइड करना है इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड 3, सभी को 3 से डिवाइड करना है 6 बस फ्रेंड, आपने यहाँ पर 6 लिख लेना है। अब 6 के जस्ट लेफ्ट राइट के चार चार डिजिट आपको लिख लेना है 5, उसके बाद ऐसे करना है सेकेंड नंबर का इसका फर्स्ट और इस लाइन का सेकेंड 3, 5, 7, 9 बस बस इतनी सी बात है। 3 3। तो फ्रेंड्स ऐसे कितने भी ये मल्टीपल हो 3 के, आप इसको ऐसे स्क्वायर बना सकते हो। आप इस अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो कि देखो भाई हमारे पास एक नंबर है 99, ठीक 99 भी 3 का मल्टीपल है, 99 भी आप कर सकते हो बिल्कुल इजीली कर सकते हो। सेम टू सेम इन्हीं का 72 का भी कर सकते हो, 99 का भी कर सकते हो, वैसे बड़े नंबर का भी आप कर सकते हो, बस और 3 से पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। ओके सो फ्रेंड्स तो बहुत ही इजी है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, इसमें मैं इसको और इजी तरीके से और आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स
इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और एक दूसरे के साथ इस ट्रिक को शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ को जान पाए, समझ पाए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और कुछ पूछना हो, कुछ आपके मन में डाउट हो या किसी भी टॉपिक में आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि और कोई भी इस वीडियो को देख सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।